She don't know, she don't know. Duniya ji de te crazy. She don't know, she don't know. वेलकम बैक टू माई चैनल. वेल फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ. सॉरी फॉर डिले, थोड़ा घर पे कुछ काम था, इस वजह से मैं कोई भी वीडियो जो है वो मैं शूट नहीं कर पा रही थी. वेल फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो एक स्पेशल वीडियो है फॉर स्पेशली वैलेंटाइन डे पर्पज. बहुत ही सिंपल, एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक है जो कि आप विद इन 15 मिनट में क्रिएट कर सकते हैं. तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. फ्रेंड्स, इस लुक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने चेहरे को क्लीन करना होगा, मॉइस्चराइज करना होगा, जो कि मैंने पहले ही कर लिया है. अब मैं अपने चेहरे पर बेस बनाने के लिए लगा रही हूँ प्राइमर, और मैंने यहाँ पर लिया है मेरा ऑल टाइम फेवरेट कलर बार का प्राइमर. प्राइमर लगाने से हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा. प्राइमर हमेशा हमें नॉर्मल हाथों से धीरे धीरे लगाना चाहिए, डैबिंग मोशन में, ना उसको रगड़ना है ना घिसना है. अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन. ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही बढ़िया वाला फाउंडेशन है फ्रेंड्स. मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी. इसमें आपको सभी शेड्स मिल जाएगी, और मेरा जो शेड है वो है 02. मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से बहुत अच्छे से इसको डैबिंग मोशन में लगा लूँगी. पहले मैंने डॉट डॉट किया था अपने पूरे चेहरे में, और देखिएगा फ्रेंड्स कितना अच्छा कवरेज दे रहा है. मुझे बहुत ही नॉर्मल मेकअप चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए, तो मैं खाली इसके एक लेयर लगा रही हूँ. अदरवाइज चाहे तो आप दो लेयर भी लगा सकते हैं. फ्रेंड्स, आज मैं वेट एंड वाइल्ड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा मैं यूज़ कर रही हूँ. मैं वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर लगा रही हूँ, जो कि मेरे चेहरे में जो छोटे मोटे एक्ने के निशाने हैं उनको अच्छे से हाइड करने में मदद करेगा. बहुत ही अच्छा वाला ये भी कंसीलर है फ्रेंड्स, एक बार आप उसको यूज़ करके देखिएगा. अब मेरा जो नॉर्मल बेस मेकअप है वो कम्प्लीट हो गया है. बेस मेकअप को सेट करने के लिए मैं लगा रही हूँ मेबेलिन फिट मी का 222 शेड में मैट पोरलेस कॉम्पैक्ट पाउडर. चलिए फ्रेंड्स, मेरा तो नॉर्मल जो बेस मेकअप है वो कंप्लीट हो गया है. अब मुझे आई मेकअप करना है. पहले मैं आईब्रोज को फेड कर रही हूँ. आईब्रोज को फेड करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मेबेलिन का पैशन प्रो ब्राउन शेड में आईब्रो पेंसिल, जो कि बहुत ही अच्छा शेड है और मेरे आईब्रोज को अच्छे से ये शेप दे देगा. अब मुझे अपना आई मेकअप करना है. आई मेकअप करने के लिए मैंने दोबारा से वेट एंड वाइल्ड का ही जो आई शेडो पैलेट है वो लिया है. इसमें फ्रेंड्स देखिए, आपको डिफरेंट कलर के न्यूड वाले, जो डार्क वाले, जो शाइनिंग वाले जो शेड्स है, आई शेडो है, वो आपको मिल रहे हैं. मैं यहाँ पर जो स्किन कलर वाला जो आई शेडो है वो मैं लूँगी और अपने आईलिड पर चारों तरफ से अप्लाई कर दूँगी. मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए, इस वजह से जो आई मेकअप है वो भी मैं बहुत लाइट करूँगी. मैं यहाँ पर जो ब्राउन कलर का जो न्यूड शेड है वो मैं लूँगी, अपने आईलिड पर अच्छे से अप्लाई कर दूँगी. और अपने आईलिड के आउटर कॉर्नर एरिया पर मैं ले रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का ये जो आई शेडो पैलेट है, ये मेरा बहुत ही पुराना वाला आई शेडो पैलेट है. इसमें जो डार्क ब्राउन वाला जो शेड है वो मैं लेकर अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर दूँगी, और एक अलग से ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ताकि कोई भी क्रीज लाइन जो है वो मुझे ना दिखे. फ्रेंड्स, आपको मेरे जो मेकअप वीडियोस है वो अच्छे लग रहे हैं, और आपके बहुत लवली लवली कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच. आई होप कि आपको मेरा का जो वैलेंटाइन जो लुक है, जो मेकअप लुक है, वो भी आपको अच्छा लगेगा. और मेरा बातों ही बातों में देखिए, जो आई शेडो है वो मैंने अप्लाई कर लिया है. अब मुझे आई लाइनर लगाना है. आई लाइनर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ जो काजल है SQ का, जो बैडफ जो ब्लैक काजल है, उसी की मदद से मैं आज आई लाइनर लगाऊंगी. और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने जितने भी यहाँ पर मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो सभी अंडर 500 रुपीज़ की रेंज में है. फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा जो हैवी वाला जो मेकअप है वो मैंने नहीं किया है, और जो आईलाइनर में जो विंग्स है वो भी मैंने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं निकाली है, एकदम छोटी सी विंग्स निकाली है, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है. ये एक तरह का जो बिगिनर्स का जो बेसिक मेकअप है वो मैंने किया है. आप चाहे तो जो वैलेंटाइन डे में इस टाइप का जो मेकअप है वो आप क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स. और मैं दोबारा से थोड़ा सा आईज को हाईलाइट करने के लिए क्या कर रही हूँ, जो मैंने ब्राउन कलर का जो आई शेडो ऊपर अप्लाई किया था वही मैं अपने जो काजल के नीचे हल्के हल्के हाथों से अप्लाई कर दूँगी, ताकि मेरे जो आई का जो लुक है वो और भी ज़्यादा खिला खिला आए. ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बेसिक सा मैंने मेकअप किया है. अब मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी. मस्कारा के लिए जो कर्लर है उसकी मदद से मैं अपने आई लैशेज को कर्ल कर लूँगी. और यहाँ पर मैं बता देती हूँ, मैं यहाँ लगा रही हूँ मेबेलिन का जो बहुत ही बढ़िया वाला मस्कारा है, और उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है फ्रेंड्स. एक्चुअली मैं दूसरे कमरे में जो रिकॉर्डिंग है वो मैं कर रही हूँ, बट मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और फ्रेंड्स, ये मैं हाईलाइटर
लगा रही हूँ लैक्मे का शेयर हाइलाइटर है। इसका जो रिव्यू है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा वाला हाइलाइटर है ये। बस यही है कि इसके थ्रू आप अपने जो छोटे छोटे एरिए हैं वहाँ पर आप हाइलाइट नहीं कर सकते, बट कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं ब्रश की मदद से अपने छोटे मोटे एरिए पर जहाँ पर मुझे हाइलाइटर अप्लाई करना है वहाँ पर मैं हाइलाइट अप्लाई कर दूंगी। अब फ्रेंड्स मैं पहली बार लगा रही हूँ एसक्यू का मिनी लिपस्टिक सेट, जिसमें जो पिंक कलर का जो लिपस्टिक है उसकी मदद से मैं ब्लश अप्लाई करूंगी। ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी फिलहाल कोई ब्लश मौजूद नहीं है और आपके पास पिंक कलर की लिपस्टिक है और उसके थ्रू अपने चीक्स पर ब्लश जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा मैं छोटा सा हार्ट बनाया था और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैबिंग मोशन में जो ब्लश है वो मैंने अप्लाई कर दिया है और सेम सेट में से जो डार्क ब्राउन वाला जो लिपस्टिक शेड है वो मैं अप्लाई करूंगी अपने लिप्स पर और मेरा जो ओवरऑल जो मेकअप है वो कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया वाला लिपस्टिक सेट है, 299 समथिंग में मुझे ऑफर में मिला था, टोटल आपको 10 शेड मिल जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना ब्यूटीफुल सा लिप कलर जो है वो मेरे लिप्स पर आ गया है। अब फ्रेंड्स मैं वेट एंड वाइल्ड का जो मेकअप सेटिंग स्प्रे है वो मैं लगाऊंगी ताकि मेरा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। और आखिरी में मैं क्या करूंगी वो मैं पहले भूल गई थी, वो मैं अभी कर रही हूँ, अपने आईज के इनर कॉर्नर एरिया पर मैं छोटे से ब्रश की मदद से हाइलाइटर अप्लाई कर दूंगी ताकि मेरी आंखें जो है वो और ज़्यादा बड़ी बड़ी लगे। और ओवरऑल मेरा जो मेकअप है आज का वैलेंटाइन मेकअप लुक वो कम्प्लीट हो गया है एंड आई एम रेडी फॉर दिस वैलेंटाइन पार्टी। तो फ्रेंड्स मुझे प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा आज का जो बिगिनर फॉर सिंपल फॉर ब्यूटीफुल फॉर एलिगेंट मेकअप लुक है वो आपको कैसा लगा। बहुत ही अच्छा वाला मेकअप लुक है फ्रेंड्स और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल है, अच्छे ब्रांड के हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।